श्रद्धालु मानते हैं कि मां त्रिपुरा सुंदरी तत्काल फल देने वाली देवी है और शायद इसीलिए बड़ी तादाद में भक्तगण इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। भारत में माता त्रिपुरा सुंदरी के कुछ और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन इनका मुख्य मंदिर है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर दूर गोमती जिले के उदयपुर क्षेत्र में। इसे श्रद्धालु माताबाड़ी या त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आज हम पहुंच गए हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा के उसी माताबाड़ी इलाके में, जहां हम आपको करवाएंगे देवी त्रिपुरा सुंदरी के भव्य और चमत्कारी दर्शन। माताबाड़ी का ये इलाका काफी गहमा गहमी वाला है। यहां मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें सजी हैं, जो एक मेले की तरह नजर आती हैं, और यहां मिलते हैं चढ़ावे के लिए प्रसाद, मालाएं, देवी देवताओं की तस्वीरें, साथ ही मछलियों और कछुओं के लिए खाना और बच्चों के लिए खेल खिलौने भी। त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पेड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है और आसपास की इन दुकानों से श्रद्धालु इन पेड़ों को बड़े श्रद्धा भाव से खरीदते हैं। माताबाड़ी का ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। करीब 100-125 फीट ऊंची इस पहाड़ी का आकार कछुए के कुबड़ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कूर्मा पीठ भी कहते हैं। मंदिर में पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका होस्ट महेंद्र मोदी आपको लिए चलता हूं माता त्रिपुरा सुंदरी के सबसे बड़े मंदिर के भव्य दर्शन करवाने, जहां मैं आपको दूंगा इस मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियां और साथ ही आपको बताऊंगा इस शक्तिपीठ से जुड़े कुछ रहस्य। और वो देखिए इस मंदिर का ऊंचा गुंबद, ये गुंबद चोटीदार है लेकिन इसका गर्भगृह स्क्वायर यानी वर्गाकार है, जो कि 24 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 75 फीट है। हालांकि मां त्रिपुरा सुंदरी के इस मुख्य मंदिर का आकार छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसमें भक्तजनों की आस्थाएं असीम है। इस मंदिर का निर्माण सन 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणिक्य ने करवाया था। त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, त्रिपुरेश्वरी माता जी का मंदिर है, ये बनाया था राजा धन्य माणिक्य ने। ये माता जी काली माता जी का रूप में है, ये माता जी का देना प्रेम गिरा था, सोची गया जो 51 खंड हुआ वही गिरा था माता जी का देना प्रेम। हाँ, वो माता जी को राजा धन्य माणिक्य ने 1501 साल में बांग्लादेश चट्टग्राम से यहाँ पर लेके आया। माता जी ने नींद में आदेश किया, हम इधर आना चाहते तो मैं हमको इधर लेके आओ। तो पहले ये विष्णु मंदिर था, नारायण जी का मंदिर था, तो यहाँ पर ये शक्तिपीठ है माता जी का। तो यहाँ पर बकरा बलि होता है, प्रसाद कराता है, कपड़ा कराता है, इंसान का मन का मानस जो होता है ना पूरा होता है, इसलिए माता जी के पास बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की मान्यता सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के पवित्र धार्मिक स्थलों में इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर गुवाहाटी के कामाख्या माता धाम और मेघालय के माता जयंती मंदिर के बाद नॉर्थ ईस्ट का तीसरा शक्तिपीठ है। इस मंदिर की गणना हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में की जाती है। आप देख रहे हैं ना, मुख्य मंदिर के बाहर भक्तों की कतार लगी हुई है।
सभी के हाथों में पूजा की सामग्री, प्रसाद और फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। गर्भगृह से पुजारी बाहर आते हैं और श्रद्धालु से नाम पूछकर उसकी पूजा सामग्री मंदिर के भीतर माता त्रिपुरा सुंदरी को अर्पित कर देते हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। के बोरा कैलाश मंदिर के दूसरी तरफ बने गेट से माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन भक्तगण बारी बारी से कर सकते हैं। आइए हम भी माता के दर्शनों के लिए चलें। कहते हैं कि भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान माता बाड़ी के इस स्थान पर मां पार्वती का दाहिना पांव आकर गिरा था, इसीलिए यहां पर मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया गया है। अब ये देखिए माता त्रिपुरेश्वरी की ये मूर्ति कितनी भव्य है। प्रतिमा का तेज तो देखते ही बनता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को बांग्लादेश के चटगांव से लाकर इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया था। दरअसल एक ही देवी की यहां दो मूर्तियां हैं। ये जो बड़ी मूर्तियां आप देख रहे हैं वो कस्तूरी रंग में गहरी लालिमा लिए काले पत्थर पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 5 फीट है, जबकि इसी के साथ में 2 फीट की एक छोटी मूर्ति स्थापित की गई है, वो छोटो मां की है। छोटो मां की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिमा राजा युद्ध के दौरान मैदान में अपने साथ ले गए थे। बालार्कायुत तेजसं त्रिनयना रक्ताम्बरोलासिनो नाना लंकति राजमान वपुषम भूलड्डुराट शिखराम हस्तैरिक्षु धनुश्रणिम सुमशरम पाशं मुदा विभ्रति श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगताम आधारभूता स्मरेत। मां काली की मूर्ति को इस मंदिर में सोरोशी या षोडशी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालु यहां आकर अनेक प्रकार से अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी करते हैं। पानी दिखाई दे रहा है ना? दरअसल वो एक सरोवर है, इसे कल्याण सागर कहते हैं। मैं आपको वहां भी लेकर चलूंगा, बहुत मजा आने वाला है हमें वहां पहुंचकर। कल्याण सागर में मैं आपको पानी में रहने वाले कुछ मजेदार जीव दिखाऊंगा, बस आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। करीब 520 वर्ष पुराने इस मंदिर के विस्तार और विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों से इस मंदिर परिसर में फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका है। दीपावली पर यहां विशेष पूजा होती है। इस मौके पर यहां एक विशाल मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये तो कागज पत्र में अभी भी है, 520 साल हो गया। अच्छा, इसके इससे भी पहले जो इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला होता है दिवाली में। अच्छा, सबसे बड़ा उत्सव है यहाँ पर दिवाली। बहुत लोग, बहुत लाख लाख आदमी आता है। बांग्लादेश का पहले बाजार भी खुला रहता है, वहाँ भी हिंदू सनातन धर्म का लोग आते हैं। यहाँ पर इतने दूर दूर से मेहनत करते हैं, आते हैं, माता जी का नाम से आते हैं, सबका मनोकामना पूरा होता है। ये तो माता जी का सबसे बड़ा शक्ति है। ऐसा कोई स्थान जगह वर्ल्ड में ऐसा कोई जगह बाद नहीं है। हमने देखा अमेरिका से भी लोग आया है,
आते हैं, डोनेट करता है, बहुत जगह से आते हैं। सरकार की तरफ से मिलता है, रोज एक बाखरा बोली होता है वो सरकार देते हैं, और उसका रात को एक भैंस भी बोली होता है, वो भी टेंडर सरकार ही देता है। और माता जी का जो फल वगैरह सब टेंडर से ही होता है सरकार की तरफ से। माता जी का दोपहर का भोजन होता है, भोग अन्न भोग, वो भी सरकार की तरफ से ही होता है। मंदिर के सामने सड़क के उस पार ये है कल्याण सागर सरोवर, मंदिर की ही तरह है। ये स्थान भी श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ की तरह ही है। इस सरोवर में मछलियां पकड़ने पर पाबंदी है, हां लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें खाना खिला सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर हमें कई प्रजातियों की मछलियां और कछुए तैरते हुए दिखाई देंगे, और वो देखिए मछलियों का एक झुंड हमारी तरफ ही आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य। मुझे पता चला है कि यहां एक बहुत बड़े आकार का कछुआ भी है। हो सकता है शायद हमें भी दिखाई दे जाए। अरे वाह, कमाल हो गया भाई, बहुत लकी हैं हम लोग, ये विशाल कछुआ तो हमारे सामने ही आ गया। कितने चाव से लोग इसे खाना खिला रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये कछुआ। माँ त्रिपुरा सुंदरी के इस पावन परिसर में आकर हम कामना करते हैं कि देवी माँ सबकी रक्षा करे, पूरे विश्व का कल्याण करे।